जर्मनी में हैम्बर्ग के एक चर्च में अंधाधुंध फायरिंग हुई है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। हमलावरों ने ये नृशंस वारदात क्यों की, उनका मकसद क्या था, पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने आशंका जताई है कि मरने वालों में हमलावर भी शामिल है। यहोवा के चर्च में हुई गोलीबारी में 8 लोग घायल हुए हैं। इस वारदात के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और जवाबी कार्रवाई में जुट गया। आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं मध्य अफ्रीकी देश कैंगो के पूर्वी इलाके में आतंकवादियों ने नरसंहार किया, एक गांव पर हमला करके 36 लोगों की हत्या कर दी। सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि आतंकियों के खिलाफ जारी सैन्य कार्रवाई से बौखलाए दहशतगर्दों ने ये वारदात की है। हमलावर एलॉयड डेमोक्रेटिक फोर्सेस के मेंबर थे, जो आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़ा है। आतंकियों ने पहले कीवू प्रांत के मुकोंडी गांव के मुखिया के घर पर हमला किया और उसके बाद पूरे गांव में तांडव मचाया। आतंकवादियों ने इलाके में कुछ लोगों की झोपड़ियों को भी जला दिया। 36 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं। उनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।